रहमतुल्लाह बरकात बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू मुंबई में है किचन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सीख कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर करो रेसिपी को, इंशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं सीख बना रही हूँ। मैंने बकरे का कीमा ली हूँ, 1 किलो कीमा है, ये चिकना कीमा है, इसके अंदर चर्बी ज्यादा है। अब सीख के लिए मसाला ली हूँ मैंने। सबसे पहले 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरीके से काट के ली हूँ। 20 से 25 लहसुन की कलियां ली हूँ, थोड़ी सी कोथमीर ली हूँ और हरी मिर्ची ली हूँ 5-10 से 12। अब हमने अच्छे से चॉपर में सब मसाला डाल दिया है, इसको अच्छे से चॉप करके लेंगे। जो आपको मैंने कोथमीर, अदरक और लहसुन बताई थी उसको अच्छे से मैंने चॉप कर दी हूँ। देखो इस तरीके से चॉप करके एक प्लेट में निकाल ली हूँ। सबसे पहले हम 4 कांदे को इस तरीके से बारीक एकदम चॉप करके ली हूँ और इसको निचोड़ के ली हूँ अच्छे से कांदे को। कांदे में पानी रहेगा तो इसमें भी पानी छूटेगा, इसके लिए अपने को इसमें पानी नहीं चाहिए, एकदम सूखा चाहिए। ये कांदा डाल देंगे इसके। अब इसमें हरा मसाला डालेंगे हम। इसमें अदरक, लहसुन, कोथमीर और हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से चॉप करके ली हूँ चॉपर में, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ली हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ली हूँ, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर ली हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ली हूँ और 1 टीस्पून जीरा पाउडर ली हूँ, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ली हूँ और ये नींबू का पाउडर है। आपको चाहे तो आप नींबू निचोड़ सकते हैं इसके अंदर, मगर इसमें पानी हो जाएगा, इसके लिए मैं नींबू का पाउडर ली हूँ। मैंने ज्यादा नहीं ली हूँ, 1/4 टीस्पून ली हूँ। अब ये डाल दूंगी इसके अंदर सब मसाले। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर, अब मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हूँ इसको। अब एक छोटी सी कटोरी रखेंगे और इसको हम कोयले का दम देंगे। अब इसमें कोयला डाल दी हूँ मैंने। अब कोयले का दम देने के लिए थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और ये स्मोकी फ्लेवर दे देंगे इसको। अब अच्छे से स्मोकी फ्लेवर इसमें पूरा, जो इसमें स्मोकी फ्लेवर आया है वो पूरा इसमें जज़्ब हो गया है। अब इसको हम खोल देंगे, माशाल्लाह देखो। अब इसको निकाल देंगे और इसकी सीख बना लेंगे। अब इसमें जरा भी पानी नहीं है, जिस तरीके से हमने बनाए हैं इसमें जरा भी पानी नहीं है। अभी इस तरीके से हम इतना उठा लेंगे बैटर, बैटर को अच्छे से गोल करेंगे और थोड़ा सा उसको इस तरीके से आउल शेप देंगे। और थोड़ा सा मैंने साइड में पानी भी ली हूं और पानी में थोड़ा सा हाथ डालेंगे अपन ऐसा। और एक पेंसिल ली हूं मैंने इस तरीके से, और ये पेंसिल को हम इसमें ऐसा डाल देंगे, बीचों बीच में डालेंगे अच्छे से और उसको अच्छे से इस तरीके से प्रेस करके लंबा कर देंगे, इस तरीके से इसको फैला देंगे। अब माशाल्लाह अच्छे से सीख बन गया है। अब इस तरीके से हम पेंसिल को निकाल देंगे और ये सीख बनकर रेडी है। इस तरीके से सारे सीख बनाकर आपको दिखाएंगे। अब सारे सीख हमने बना दिए, अब इसको फ्राई करेंगे। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब ये जो सीख है हम ये तेल में डाल देंगे इस तरीके से। अब सारे को हमने पलटी कर दिया, अभी और 2 मिनट सेकेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अब 2 मिनट और अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल देंगे सीख को। अब सारे सीख इस तरीके से फ्राई करके आपको दिखाएंगे। अब सीख की चटनी पीसेंगे हम। मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली हूँ, थोड़ी सी कोथमीर ली हूँ और 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हूँ, इसको मैं पीस लूंगी। अब एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें ये जो कोथमीर और हरी मिर्ची है, लहसुन है, ये डाल। अब इसके अंदर मैंने 100 ग्राम दही ली हूँ, ये दही डाल। अब इसमें 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे, ये काला नमक है, ये डाल देंगे। ये भुना हुआ जीरे का पाउडर है, ये भी डाल देंगे। इसको हम लीड लगाकर पीस के लेकर आएंगे। चटनी अच्छे से पीस गई है, एकदम हमने बारीक पीसे इसको। अभी कटोरी में हम निकाल देंगे। अब इसके साथ फर्स्ट क्लास चटनी बनकर रेडी है। अब सीख के साथ हम सर्व करेंगे इसको। सीख बनकर रेडी है, देखो माशाल्लाह कितने अच्छे से सीख बने हैं। अब इसके ऊपर हम मेल्टेड बटर डालेंगे इस तरीके से, और भी टेस्ट उभर के आता है इससे मेल्टेड बटर डाले तो। सीख बनकर रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में मुझे याद रखो। अल्लाह हाफिज़।